most important thing that happened is the way that Vicky is with his parents and his family. So I think his principles and his values are so strong, Karan. इसकी मुकम्मल वीडियोस क्यों उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई कैटरीना कैफ विकी कौशल की वो सुनवाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलें कैटरीना कैफ के बारे में, तो शादी के बाद इनकी फर्स्ट अपेयरेंस थी कॉफी विद करण में, और यहीं पर इनकी लव स्टोरी के मुताबिक बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिसमें कॉफी विद करण ने खुद करण जौहर ने सवाल किया कि आपकी क्या ऐसी चीज थी जो कि उनसे मोहब्बत के लिए आप उनकी फॉलिंग लव हुई, आप उनसे मोहब्बत कर बैठी, तो उनका कहना था सिर्फ और सिर्फ उनके रिस्पेक्ट, उनकी लॉयल्टी, उनकी भाई से, उनके वालदैन से, उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से, वो जो लॉयल्टी थी, जो मोहब्बत थी, वो चीज मुझे मोहब्बत के काबिल बना गई उनके लिए। कि उनका कहना था कि अगर वो अपनी फैमिली से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं तो मुझसे अपनी फैमिली से, जो कि मैं, मेरे बच्चे, इनके कैटरीना कैफ और उनके बच्चे जो उनकी फैमिली बनेंगे, वो उनसे कितनी ज्यादा मोहब्बत, कितनी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट और कितनी ज्यादा लॉयल्टी करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी ने, जो कि इस टाइम पर कैटरीना कैफ बॉलीवुड की क्वीन है, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कर फैंस के दिल जीते। कैटरीना कैफ का ये भी कहना था कि उनके रूल्स और रेगुलेशन इतने अच्छे हैं अपनी फैमिली के लिए, जिसकी वजह से मैं उनकी तरफ से इम्प्रेस हुई। ये सारी बातें सुनकर फैंस भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए कैटरीना कैफ की थॉट से, और फिर उनकी एक पार्टनर की थॉट से जो उन्होंने चुनी वो वाकई ही बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ जो जरूरत है वो मोहब्बत, प्यार, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट ही। और वाकई विकी कौशल उनको कहीं पर भी देखा जाए देते हुए नजर जरूर आते हैं। व्यूअर्स, आपको इन दोनों का जुड़ा कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।